E6 की डेटा फील्ड, दैट इज कॉल्ड सत्या, दैट इज कॉल्ड सत्या। सत्या का जो मीनिंग अपने आप में, मीनिंग अपने आप में सत्य, अपने आप में ट्रुथ। दी ट्रुथ एक दो प्रकार के सच होते हैं, एक एक होता है सिचुएशनल, एक होता है सच, बिल्कुल सत्य, जो है जैसा है वैसा ही है। एक होता है सिचुएशनल परिवर्तन, राइट। तो सत्य की जो देवता फील्ड है वो जो है जैसा है वैसा ही है को रिलेट करती है, सिचुएशनल परिवर्तन को रिलेट नहीं करती। इट इज ए अनचेंजेबल ट्रुथ, इट इज अ रियलिटी, इट इज अ स्टेट, इट इज एन एट्रीब्यूट वेयर इट सेज दी ट्रुथ ऑलवेज इरिस्पेक्टिव व्हाटएवर इट हैपन, व्हाटएवर इट टेक्स, इट काइंड ऑफ दैट। ठीक है, सत्य की जो देवता फील्ड है वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, वो सब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, इट्स एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। उसका जो ऑब्जेक्ट है वही ट्रूथ ही है, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है कि जब चाह सिचुएशन चाह जैसा चाह वैसा बोल दिया, दैट बिकम ट्रूथ। नो, सत्य इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इज नॉट सब्जेक्टिव ट्रूथ, इज ऑलवेज ट्रूथ इज ट्रूथ, रियलिटी सच, कंसिस्टेंट स्पीच, कंसिस्टेंट एक्शन, कंसिस्टेंट थॉट, इट इज सत्या। सत्य की जो देवता फील्ड है वो हिंदुइज्म में धर्म के नाम से भी मानी जाती है, क्योंकि धर्म जो है सत्य है। सर बोलते हैं ना, कई बार बोला भी जाता ना, धर्म सत्य ही धर्म है। ठीक है, तो विच इज नॉन चेंजेबल, विच इज अड़िग, अड़िग बोला जाता है, दैट दी ट्रूथ विच डज नॉट चेंज विद टाइम एंड सिचुएशन, दैट काइंड ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड सत्य की देवता फील्ड। सम्यांगन सूत्रधार में सत्य को वेलफेयर ओरिएंटेड धर्मा भी बोला जाता है, वेलफेयर ओरिएंटेड धर्मा भी बोला जाता है, ऐसा धर्मा जो कि लॉ, जनरल लॉ, जनरल ड्यूटी को भी देखता है, जो नेचुरल फिनोमिना है, जो रूल्स है, जो जो कि थिंग्स इन ऑर्डर टू बी काइंड ऑफ, उन सब चीजों को रिलेट करता है, वो सब चीजों को धर्म जो है देखता है, धर्म से रिलेट किया जाता है। सत्या जो है ब्रह्मा जी, इट इज बीन कंसिडर एज दी सन ऑफ दी ब्रह्मा जी को सत्य सत्य से मतलब रिलेट किया जाता है। सत्य जो है इज बीन आल्सो बीन कंसिडर एज दी इज बीन कंसिडर एज दी फर्स्ट देवता, पहला देवता जिसने की जिसकी की शादी, जिसकी की दृष प्रजापति जो थे उनकी जो 13 डॉटर्स थी उनके साथ उनकी शादी हुई है, यानी कि सत्य की देवता फील्ड को ऐसा माना गया कि दक्ष दक्ष प्रजापति की 13 डॉटर्स थी उनके साथ इनकी शादी हुई है, तो ऐसा इनको, ऐसा भी इनको माना जाता है वेदों में। धर्म को यम से भी रेफर किया जाता है, क्योंकि यम भी अपने आप में अडिग है, यम यमराज, तो वो धर्मराज भी बोला जाता है, धर्मराज यमराज। तो धर्म को जो है यमराज के नाम से भी संबोधित किया गया है समागम सूत्रधार में। दिस जोन इफ इट इज पॉजिटिव, यहाँ पे जो रहने वाले लोग होंगे उनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बहुत होगी, उनके शब्दों की महत्ता बहुत होगी, उनके शब्दों में एक पावर होगी, उनके शब्दों में स्टैंडेबिलिटी होगी, वो जो शब्द बोलेंगे वो लोग उनके शब्दों को महत्ता देंगे, मानेंगे। यही के भाई अगर जिसकी ये जोन बिगड़ी होगी वो लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं होंगे, लोग उनकी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे, लोग उनका उनको हल्के में लेंगे। इसी को अगर आप रिलेट कर लो किसी बिजनेस से, गुडविल, तो जब गुडविल की बात आती है, जिस गुडविल जब बनती है, जब हमारे को ट्रस्ट बिल्ड होता है, देन दैट जनरेट्स द गुडविल। इंसान कहता है मेरी गुडविल नहीं बन रही है, इंसान कहता है मैं इतना काम करता हूँ, मेरा माल भी अच्छा है, मेरा काम भी अच्छा है, मेरी सब चीजें अच्छी हैं, बट मार्केट में मेरी अपनी एक गुडविल क्रिएट नहीं हो रही है, मेरा ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट नहीं हो रहा, यानी कि उसकी सत्य की देवता फील्ड में कमी है, लोग उसके ऊपर या उसकी कंपनी पे या उसकी ब्रांड पे ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर रहे, जिससे कि उसकी गुडविल जनरेट नहीं हो रही है। यहीं पे अगर यही अगर सत्य की देवता फील्ड बैलेंस हो जाती है तो इंसान की गुडविल, यानी कि उसके उसकी जो व्यापार है, उसकी जो गुडविल वैल्यू है, उसको बनाने में उसको हेल्प मिलेगी, स्टेटस बनाने में हेल्प मिलेगी, क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करने में हेल्प मिलेगी। इट्स अ जोन विच क्रिएट द क्रेडिबिलिटी,
इज अ जोन विच इज द थिंकिंग विच इज द पावर ऑफ थिंकिंग विच इज द पावर ऑफ एनालिसिस। ये धर्म की देवता फील्ड है जो अपने शब्दों की कदर करती है, किसी भी सिचुएशन में अपने शब्द उसके सबसे ऊपर रहते हैं, वो विचलित नहीं होती, उसका अपना स्टैंड होता है, उसका अपना वजूद होता है। धर्म की देवता फील्ड एक ऐसी देवता फील्ड है जो हर सिचुएशन में एक एग्जाम विपरीत परिस्थिति के अंदर भी खड़ी पाई जाती है, उसको किसी भी सिचुएशन में एग्जामिन कर लिया जाए वो अपने क्रेडिबिलिटी से अड़िग नहीं होती। दैट इज सत्य, दैट इज धर्म की देवता फील्ड। इसी को गुडविल भी बोलते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपनी गुडविल वैल्यू को लूज नहीं करना, वो सत्य की देवता फील्ड है। अगर व्यक्ति अपनी गुडविल लूज कर रहा है, अपना दायरा लूज कर रहा है, यानी कि उसकी सत्य की देवता फील्ड में गैप है, उसकी कमी है। ये किसी भी संस्था से रिलेट कर सकता है, ये किसी भी फैक्ट्री से रिलेट कर सकता है, ये किसी भी चीज से रिलेट कर सकता है, ये इंसान से भी रिलेट कर सकता है, उसमें रहने वाले लोगों से भी रिलेट किया जा सकता है। सत्य की देवता फील्ड पे अगर डोर आ जाता है तो यहाँ डोर है वो लोग ओवर कमिटमेंट के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो खुल गई। एनर्जी यहाँ की खुलने से सत्य के अंदर एक लोग ओवर कमिटमेंट कर जाते हैं अपनी सत्य अपने आप को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए, अपने आप को ऑब्जेक्टिवली प्रूव करने के लिए एक कमिटमेंट करते हैं। इट बिकम एन ओवर कमिटमेंट जिसको फुलफिल नहीं कर पाते, और उसके फुलफिल नहीं होने से उनकी जो कमिटमेंट वीक हो जाती है और बिहेवियर वीक हो जाता है, लायबिलिटी फैक्टर वीक हो जाता है, उनके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते, जिससे कि उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है और जिससे कि उनका लॉस होता है। तो सत्य की देवता फील्ड पे अगर गेट आ जाता है, गेट इज नॉट कंसिडर टू बी गुड गेट, देयर सत्य की देवता फील्ड पे कमिटमेंट फेलियर एंड लायबिलिटी की कंडीशंस बढ़ जाती हैं। पीपल बिकम अनकमिटेड, ऐसा वहां पे मान लिया जाता है। सत्य की देवता फील्ड पे मतलब इस बात को आप ऐसे समझे कि सत्य की देवता फील्ड अगर बढ़ जाती है तो ऐसे में लोगों का वहां पे जो लोग वहां पे रहते हैं उन लोगों के अंदर अपने आप में एक प्रॉब्लम इस टाइप की आ जाती है कि अपने आप में इट्स लाइक अच्छा इसको ऐसे एग्जांपल को लेते हैं हम कि शीशा जो होता है, जो मिरर होता है, जो लुकिंग मिरर होता है, वो किसी भी देवता फील्ड को बढ़ाने में हेल्प मतलब किसी भी जोन को बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि शीशे में जो ना हमारे को आकृति नजर आती है, परछाई नजर आती है शीशे में। तो जब हम शीशा लगाते हैं तो किसी देव फील्ड को एनहांस करने में वो हमें हेल्प करता है। कैसे करेगा? रेमेडियल पार्ट में हम करेंगे इसको कैसे करेगा। लेकिन अगर मान लो इस जोन पे शीशा लग जाता है, जो कि शीशा जो है इस जोन को बढ़ा देगा, इस जोन को एक्सटेंड कर देगा, तो इस जोन को जब बढ़ा देगा, एक्सटेंड कर देगा, तो लोग ऐसे लोग जो होंगे ज्यादा ही सच बोलना शुरू कर देंगे। ज्यादा ही सच करने से क्या होगा, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। नौकरी पेशा वाला व्यक्ति ज्यादा सच बोलने से ज्यादा दिक्कत में आता है। आपको पता है नौकरी जो होती है आज कोई भी व्यवसाय आज का रेदर डेट पर से कि 100% सच के ऊपर व्यवसाय टिक नहीं पाता, यू कैन नॉट रिलेट टू इट, राइट। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो इंसान को अपना व्यवसाय चलाने में, नौकरी चलाने में दिक्कत महसूस होती है, उसके बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो ज्यादा डिटर्मिंड हो जाता है, ज्यादा कमिटेड हो जाता है हर चीज के प्रति, और उस कमिटमेंट और उस डिटर्मिनेंट के अंदर ज्यादा सत्यवादी बन जाता है, सत्यवादी हरिचंद, और जिसकी वजह से लोगों से उसके बिहेवियर खराब, रिलेशन खराब होते हैं, या कमिटमेंट फेल होने शुरू हो जाते हैं, या काम नहीं कर पाता। तो ऐसे में जब काम नहीं कर पाता, ऐसे में जब कमिटमेंट फेल हो जाती है, इट कुड बी कॉज बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ देवता फील्ड, विच कैन बी बिकॉज ऑफ द मिरर आल्सो इन टू दैट जोन। मिरर इस जोन में आ जाता है, या पानी इस जोन में आ जाता है, या पानी की वस्तुएं इस जोन में आ जाती है, या पेंटिंग्स इस जोन में आ जाती है, इस प्रकार की जो कि पानी को दर्शाएंगी, पानी की चीजों को रिलेट करेंगी, वो सारी चीजें जो है इस जोन को बिगाड़ेगी और जोन के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिससे कि लोगों के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, किसी का माइक खुला है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं, और वो व्यक्ति अपनी जॉब के अंदर प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है, या अपनी जॉब से हाथ धो बैठता है, बॉस से उसके नहीं बनते, कमिटमेंट नहीं हो पाती, कमिटमेंट फेल भी होते हैं, साथ में बॉस से भी अनबन होती है, क्योंकि यू कैन रिलेट टू वेरी इजिली। सत्य मीन्स एब्सोल्यूट सच, और आज की तारीख में एब्सोल्यूट सच अपने बॉस को बोल दो तो बॉस फोड़ देगा, फिर तो नहीं बनती। तो कोई भी कार्य एब्सोल्यूट सच पे, इट डजंट मीन की पीपल टू बी लाई, पीपल टू बी अब्सॉर्बर,
चीजों को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, व्यक्त नहीं करना। जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम व्यक्त करें, या जरूरी नहीं है जब हम बोले तो ऐसा बोले जो सामने वाले को बोले कि भाई तू क्या बोल क्या रहा है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी थिंकेबल, वेरी एनालिटिकल, वेरी पावरफुल, और बोलो तो तोल मोल के राइट चीज बोलो जिससे कि सामने वाले को इफेक्ट ना करे। सत्य की देवता फील्ड हरिश्चंद की तरह काम करती है, हरिश्चंद की तरह काम करती है। तो जो आया वो बोला। थिंकिंग एक्टिविटी जो है, ज्यादा एनालिटिकल एक्टिविटी में इंसान अपने गुंजल होता है एंड ही स्पीक्स अनवांटेडली, दैट एक्चुअली क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर देम, और उसके साथ उसकी जो जो इश्यूज क्रिएट होंगे एम्प्लॉयमेंट के अंदर, चाहे वो सर्विस में है चाहे वो जॉब में है, वो दोनों जगह से रिलेट करेगी। यही इशू शादी में भी आते हैं, मैरिज में भी आते हैं। सत्य की देवता फील्ड अगर अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो लोग जो है नॉन कमिटेड हो जाते हैं, अपने रिलेशनशिप के प्रति नॉन कमिटेड हो जाते हैं, अपने रिलेशनशिप को निभाना नहीं चाहते हैं। तो जब नॉन कमिटमेंट हो जाते हैं, नॉन कमिटेड हो जाते हैं, तो रिलेशनशिप नहीं निभेगा तो शादी में भी प्रॉब्लम आएगी। दैट विल बी अनदर इशू इन टू होम। सत्य की जो देवता फील्ड है ये गुडविल क्रिएटर है, ये क्रेडिबिलिटी क्रिएटर है, ये पावर जो है पावर ऑफ थिंकिंग है, पावर ऑफ कमिटमेंट है, फुलफिलमेंट है, ये कमिटमेंट ऑफ मैरिज भी है। अगर यही इंबैलेंस हो जाती है तो सारी पावर ऑफ कमिटमेंट, पावर ऑफ थिंकिंग, राइट थिंकिंग, द क्रेडिबिलिटी, द गुडविल्स, ऑल विल गो फॉर ए टॉस। इन सब में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। शीशा जो है, वाटर जो है, इस जोन में डेंजरस माना जाएगा। आमतौर पर हम वाटर को ईस्ट के अंदर अच्छा मानते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के आगे का वाटर इज नॉट गुड। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के आगे का वाटर एलिमेंट अगर यहाँ पे आता है, पानी यहाँ पे आता है, इट इज नॉट गुड। अगर उससे एक्सटेंशन होती है, मिरर जो होता है, एक्चुअली मिरर का क्या काम है, मिरर का काम है किसी जगह को एक्सटेंड करना, लुकिंग मिरर का, तो वहां से वो दिक्कत पैदा करता है। ग्रीन कलर यहाँ पे गुड है, यहाँ पे ग्रीन कलर में दिक्कत नहीं है। ब्लू कलर यहाँ पे एब्सोल्युटली अलाउड नहीं है। यहाँ पे लोग जो है फॉल्स प्रॉमिस कर जाते हैं, यहाँ पे लोग जो है गलत ओवर कमिटमेंट कर जाते हैं, जिसकी वजह से कमिटमेंट फेलियर होती है। सत्य को धर्म के नाम से भी जाना जाता है, सत्य धर्म भी है, सत्य सूर्य भी है, सत्य गुडविल क्रिएटर है। सत्य का जो रोल है वो धर्म का रोल है, कोर्ट का रोल है, कोर्ट के चाहे मतलब कोर्ट मतलब जस्टिस, कोर्ट मतलब धर्मा, धर्मा वाला कोर्ट, वो ब्लाइंड धर्म, ठीक है, वो वाला कोर्ट, उसके नाम से इसको रिलेट किया जाता है। ग्रॉसरी यहाँ की सैंडलवुड ऑयल है, यहाँ की ग्रॉसरी चंदन का तेल यहाँ की ग्रॉसरी है। सत्य की देवता फील्ड अगर हम किसी किसी जगह को लेते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि मतलब किसी फैक्ट्री से हम इस बात को रिलेट करें, सत्य की देवता फील्ड में वहां पे बैठे हुए, वहां पे अगर किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाता है, वहां पे उसके कर्मचारी बैठे हैं, उस कर्मचारी के पास आके कोई ग्राहक आता है, वो बात करता है और वो कर्मचारी उसको वो इनसाइड स्टोरी बता देता है, तो ग्राहक उसका कभी डेवलप नहीं होता। तो ऐसी जोन के ऊपर बिठाए गए कर्मचारियों की ग्राहक से इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे टेल वॉट दे आर नॉट सपोज्ड टू टेल, दे टेल दैट, और उसके साथ उसकी इंटरेक्शन से ग्राहक बिगड़ जाता है और रिलेशनशिप और माल नहीं बिकता। सत्य की देवता फील्ड पे हमारे को उन लोगों को बिठाना चाहिए जो लोग मेंटल कैपेबिलिटी का काम कर रहे हैं, जो लोग एनालिसिस का काम कर रहे हैं, जो लोग पावर बैंक का माइंड पावर बैंक की तरह काम कर रहे हैं, जो लोग थिंकिंग बैंक की तरह काम कर रहे हैं, उन लोगों को सत्य की देवता फील्ड में बिठाना चाहिए, ताकि वो लोग सत्य के साथ तरीके से अपने काम के अंदर गुड क्वालिटी एनालिसिस को डेवलप कर सकें, जो फैक्ट्री के या ऑफिस के कार्य में हेल्पफुल हो, ऐसी एक्टिविटी वो वहां से करके प्रदान कर सके, उन लोगों को बिठाना चाहिए। सत्य की देवता फील्ड पे उन लोगों को बिठाए, प्लस सत्य की देवता फील्ड पे अगर हम किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात करें, कॉमर्शियल चीजों की बात करें, तो सत्य की देवता फील्ड पे हमें अगर कोई व्यक्ति स्टॉक रखता है मान लो, तो स्टॉक में उसको वो स्टॉक रखे जो बाजार में सत्य के नाम पे अव्वल नंबर का स्टॉक हो, अव्वल नंबर का स्टॉक वहां पे रखे, क्योंकि वो सत्य है, क्योंकि वो अनबीटेबल है, क्योंकि उसका उसको वो व्यक्ति कॉम्पीट नहीं कर सकता कोई और व्यक्ति। तो ऐसी चीज वहां पे रखे जो कि वाक्य में सत्य है, वाक्य में ही वो चीज उसको वहां से मतलब अनबीटेबल अप्रोच प्रदान करती है। ऐसी चीजों को वहां पे रखने से उस व्यक्ति को फायदा होगा अगर वो व्यक्ति वहां रखता है। सत्य की देवता फील्ड के ऊपर गेट का मैंने आपको बता दिया, गेट वहां पे एब्सोल्युटली नो, गेट का वहां पे नुकसान है। सत्य की देवता फील्ड पे अगर ईसी का गेट आता है, कमिटमेंट फेलियर अनलायबिलिटी फैक्टर वहां पे इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा सत्य की देवता फील्ड के ऊपर टॉयलेट
टॉयलेट जो है चर्निंग एक्टिविटी है, तो एनालिसिस पावर बैंक पावर थिंकिंग जो चर्निंग एक्टिविटी है, तो चर्निंग एक्टिविटी वहां पे की जा सकती है। तो चर्निंग एक्टिविटी टॉयलेट वहां पे हो सकता है, सेफ्टी टैंक वहां पे हो सकता है, स्टोर रूम वहां पे हो सकता है, फैमिली लॉन्च वहां पे मे बी मे नॉट बी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय अगर वहां पे लोग बैठेंगे तो उनका जो दिमाग है वो गुंजल घूमता रहेगा, गुंजल होता रहेगा। जब ज्यादा टाइम व्यक्ति बैठेगा तो वो क्या, ज्यादा टाइम बैठा हुआ व्यक्ति उस जगह में फालतू की बातें करेगा, जो फालतू की बातें करने से अननेसेसरी का घर का माहौल डिस्टर्ब होगा, जिससे कि वहां पे लड़ाई झगड़ा फालतू का होगा। तो ज्यादा समय वहां पे नहीं बिताना, नहीं बैठना, बट फैमिली हाउस बन सकता है, लेकिन कम समय बिताना है। बार वहां पे बनाया जा सकता है, क्लॉकवाइज स्टेयर्स वहां पे हो सकती है, सिक्योरिटी गार्ड का रूम वहां पे हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए वहां पे, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, ये एक्टिविटी वहां पे, गेस्ट रूम, पूजा रूम, किचन किचन वहां पे अगर आ जाती है तो किचन जो है वहां की किचन जो है बीपी को क्रिएट करने में हेल्पफुल हो जाती है। वहां पे आई हुई किचन बीपी, वहां पे आई हुई किचन लोगों में बीपी का शिकार पैदा करती है, बीपी जैसी समस्या पैदा कर देती है वहां पे आई हुई किचन। ओपन एरिया के लिए नॉट रिकमेंडेड दिस जोन। इस जोन के अंदर जो एक्टिविटी हो सकती है वो मतलब ये जो उसके टॉयलेट वॉलेट मैं आपको बता दी है। इसके अलावा वहां पे अगर सत्य इस जोन के अंदर ईस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट आया तो कोई ट्रीटमेंट की ज्योति नहीं है। गैस स्टोव आ जाता है तो ग्रीन पत्थर लगाए, सेफ्टी टैंक आ जाता है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए इसमें, ओवर टैंक आ जाए तो भी ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक आ जाए तो भी ठीक है। तो उनके कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, सिवाय एक अगर वहां पे किचन आ जाए तो किचन में ग्रीन स्टोव लगाए। यहाँ पे मशीन आ जाती है, वॉशिंग मशीन आ जाती है तो इट इज ओके, इट इज नॉट बैड, इट कैन बी कंसिडर। इस जोन के ऊपर जो इसका जो अपना एनहांसिंग कलर है वो है ग्रीन कलर। इस जोन का सॉरी ये जोन का जो एनहांसिंग हाँ इस जोन का जो एनहांसिंग कलर है वो ग्रीन कलर, और अपना कलर है वो भी ग्रीन कलर है, दोनों ही ग्रीन कलर को कंसिडर किया जाए सत्य देवता फील्ड पे, एनहांसिंग कलर भी और अपना कलर भी, ओन कलर भी ग्रीन कलर, टिन सिल्वर स्टेनलेस स्टील इनको कंसिडर किया जाए। एग्जॉस्ट कलर इसका रेड है, कॉपर है, और डिस्ट्रक्टिव कलर इसका वाइट है, आयरन है, इस जोन का कंसिडर किया जाए। इस जोन के ऊपर समुद्र मंथन को रिलेट करते हैं हम चर्निंग की एक्टिविटी से। चर्निंग के समुद्र मंथन में जो एक पिक्चर बनती है जिसमें कि एक साइड असुर है, एक साइड देवता है, और उसके अंदर वो दोनों जो है समुद्र मंथन चल रहा है। समुद्र मंथन वाली एक्टिविटी को इस जोन से रिलेट कर सकते हैं, वो फोटो वहां पे अगर लगाई जाए तो अच्छी फोटो मानी जाएगी, एक रेमेडियल एक्ट करेगी इनके लिए इस जोन पे। और इस जोन के ऊपर इट्स अ गुड जोन फॉर टॉयलेट, टॉयलेट के लिए जोन कम होती है, उनमें से दिस इज वन ऑफ द जोन। गटर, गटर जो है रुका हुआ पानी है, गटर अगर रुका हुआ पानी जोन पे आ जाता है तो इस जोन को दूषित करता है, इस जोन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो उसका नुकसान होता है। गटर या रुका हुआ पानी, रुका हुआ गंदा नाले का पानी इस जोन के साथ कनेक्ट करना ठीक नहीं है, इट इज नॉट गुड। चलता पानी होना चाहिए, चलता हुआ पानी यहाँ से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर रुका हुआ पानी इज नॉट, स्टेग्नेंट वाटर इट इज नॉट गुड, क्योंकि स्टेग्नेंट वाटर इस जोन को डिस्टर्ब करेगा, राइट। ये इस जोन की विशेषता है जी। ये जोन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है सत्य की देवता।